हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बिल्ड करने वाली हूँ अपने लिए एक मिलियन डॉलर का लग्जरियस सा मेंशन। एंड अभी मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए 1000 रुपए, और यहाँ मैं मेंशन बिल्ड करने की बात कर रही हूँ। ऑल राइट गाइस, यहाँ से मुझे ड्राइव भी मिल गया, वो भी बिल्कुल 0 डॉलर्स में। एंड मैंने इसको परचेज कर लिया है, अब मेरी इनकम 2 डॉलर होने वाली है। ओके, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, इस वॉल्स को लगाते हैं। एंड बहुत बढ़िया बात है कि मेरी वॉल भी लग गई है, बट मुझे यहाँ से 50 डॉलर में लैंड मिल रहा है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। पाथ भी हमें मिल गया है, वो भी 19 डॉलर में था। मतलब हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं कि हम कुछ चीज़ें तो खरीद ही पा रहे हैं। एंड पार्किंग स्लॉट मुझे मिला है, वो भी बिल्कुल सस्ता, क्या फ्री में ही दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कार भी खरीद सकते हैं। वाओ, इससे बढ़िया बात क्या होने वाली है। एंड मेरे पास पैसे खत्म हो गए वॉल के लिए, बट यहाँ से हम लोग रोबक से ले सकते हैं। तो ये हमारा डब्बा होने वाला है जहाँ से हम लोग पैसे कलेक्ट करने वाले हैं। एंड हर सेकेंड इसके अंदर पैसे बढ़ते ही जाएंगे। और हम लोग कितने ज्यादा अमीर है कि हमने दिन में भी लाइट जला रखी है भाई, पूरा मेंशन बना रहे यार हम लोग। एंड ये मेंशन हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि एक एक चीज हम ही बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने दीवार बना के खड़ी कर दी है, एंड दूसरी वाली दीवार को भी लगा देते हैं। बहुत बढ़िया बात है कि अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैंने पैनल को भी लगाया, बट अब मेरे पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए मैंने यहाँ से पैसे कलेक्ट करना शुरू करा। एंड आसपास देखा, कोई पड़ोसी भी नहीं दिख रहा मेरे को, बस कुछ लोगों की खोपड़ियाँ लटक रही है हवा में, पता नहीं ये क्या ही है। कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़े बहुत और पैसे मिल गए, इसको भी लेते हैं हम लोग। एंड आगे बढ़ के थोड़ा अपने घर को और एक्सपैंड करते हैं। तो मुझे फ्लोर परचेस करने पे कुछ मिल गई है इनकम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम लोग अच्छी अच्छी चीजें लेंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हम लोग क्या क्या परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने वॉल को परचेस करा, विंडो परचेस करते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी पैसे थे, बट अब नहीं है। 131 रुपीज़ में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि इसमें थोड़े और पैसे मिले। एंड स्मॉल सा टेबल लगाया, वॉल को लगाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा घर बन रहा है। मतलब एक रूम तो हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे और तो कुछ नहीं मिल रहा है 368 का। ऐसा करते हैं यार, डब्बे से थोड़े और पैसे लेते हैं। एंड मेरे पास 4000 रुपीज़ हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको डब्बे को ना भरने देते हैं, हम लोग आगे एक्सप्लोर करके आते हैं। क्योंकि तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, लेकिन नहीं है। एंड मुझे ये घर मिल चुका है भाई, कितना लग्जीरियस घर लग रहा है ये। इसमें स्टेयर्स वगैरह सब कुछ लगा रखी है। एंड भाई ये कितना ज़्यादा अच्छा घर है। ओके, यहाँ दरवाजे सारे बंद हो रखे हैं, मतलब हम जा नहीं सकते हैं, बट हमारा मैंशन भी बिल्कुल ऐसा ही लगने वाला अगर ये बिल्ड हो जाएगा पूरा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं एंड इसके अंदर क्या क्या होने वाला भाई। यहाँ पे तो बढ़िया बीच वाली चेयरें लगा रखी है, एंड हम लोग भी यहाँ पे लेट गए, पता नहीं किसका घर है, एंड हम आराम कर रहे हैं। चलो नीचे चल के देखते हैं भाई, कोई तो होगा ही, लगता कोई नहीं है। यहाँ पे घंटी बजा के, ओह यहाँ पे घंटी बजा सकते हैं। अरे ये कहाँ सेटअप की, लगता है इसी का घर है। अब देखना, मैं इसके सामने इसके घर के अंदर पूरा घूमने वाली हूँ। और ये क्या लिख रही है, गेट आउट। अरे कद्दू गेट आउट हो रहे हैं हम लोग यहाँ से। भाई कितने बदतमीज लोग हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रेंडशिप करने आ रही है, गेट आउट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में आके निपटेंगे। एनीवेज ऐसा करते हैं, इसे घर से थोड़ा डब्बे से चुराने की कोशिश करते हैं, बट ये मुझे मिल नहीं रहे यार। इसके पास इतने सारे पैसे यार, 1 लाख से भी ज़्यादा पैसे इसके पास, बट हम लोग ले नहीं सकते हैं। शायद हम अपना ही कलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे डब्बे में कितने हो गए हैं यार, अब तक तो कुछ ज़्यादा ही हो जाने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड अभी 9000 रुपीज़ हो गए, और लेट गाइस 10000 हो गए हैं। ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं। एंड हमारे पास टोटल 14000 रुपीज़ हो चुके हैं, इसको हम लोग और यूज़ करने वाले हैं ताकि हम और एक्सपेंड कर सकें। सीलिंग मिल चुकी है, तो अभी हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग 29-30 ऐसे कर करके बढ़ रहे हैं हमें पर सेकेंड पैसे। ऑल राइट, तो यहाँ से मैंने विंडो को भी लगा दिया, हमारी आखिरी विंडो लग गई है। टेबल को लगाते हैं, एंड यहाँ से मैंने वॉल को लगाया, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है वॉल भी हमारी। एंड अब हमारी इनकम और बढ़ गई है, तो अभी मेरे पास काफ़ी कम पैसे बचे हैं। तो फिर रोबक्स वाला आ चुका है यार, ये मुझे पॉपअप बहुत घटिया लग रहा है। ऐसा करते हैं बाहर जाते हैं, एंड अब देखते हैं इसमें यार काफ़ी धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं। लग रहा है मुझे AFK करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तभी मेरे पैसे आ पाएंगे। ठीक है, तो AFK करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो अभी मेरे पास टोटल 35000 रुपीज़ थे उसमें, एंड टोटल मेरे पास 45000 रुपीज़ हो चुके हैं। इससे मैं काफ़ी सारा काम करा सकती हूँ अपना। तो मैंने वॉल को लगाया, दूसरी वॉल लगा ली, कैबिनेट्स को भी लगा दिया। ये हमारा गैराज वाला एरिया जिसको हम और रेनोवेट कर रहे हैं। सीलिंग लगते हैं, यहाँ पटाखे जलने लग गए भाई, मुझे लगता है मेरी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड लाइट्स लगा के, वाओ यार लाइट्स देखो यार कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है भाई, ये हमारा रूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले रूम की तरफ, यहाँ डोर लग गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने वॉल लगा दी,
सिंक वगैरह लिखा रहा है, आई थिंक ये हमारा वॉशरूम है। ओके, मिरर लगा दिया एंड हम लोग इस सिंक का यूज भी कर सकते हैं। वाओ, तो मतलब इसमें से लिटरली पानी आ रहा था भाई। यहाँ से हम लोगों को लाइट्स मिल गई है एंड हम लोगों की परचेज इनकम और ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, टेबल लगाते हैं एंड यार ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो हमारा ये वाला रूम भी ऑलमोस्ट डन है। फायर प्लेस लगाते हैं एंड गाइस फायर प्लेस तो देखो कितनी ओपी लग रही है यार। ये पूरा रूम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस हमारे दो रूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, ये वाला और गैराज वाला। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं और क्या रेनोवेट कर सकते हैं। अभी तो बहुत पैसा है यार, तो थोड़ा बाहर का भी लुक अच्छा कर दिया जाए, इसलिए हम लोग बाहर थोड़े बहुत ग्रीनरी प्लांट लगाएंगे एंड डोर्स को लगाएंगे। और तुम लोग देख सकते होगे धीरे धीरे हमारा लुक कितना ज्यादा अच्छा आ रहा है एंड हम लोग काफी सारी चीजों को ऐड भी करते जा रहे हैं। मतलब अभी तो काफी चीजें बाकी है बट स्टिल ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे अभी भी कुछ रोबक्स की जरूरत है एंड तुम लोग देख सकते हो $5 पड़े हैं बट यहाँ पर काफी सारे मिल चुके हैं मुझे। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास 15,000 हो चुके हैं एंड थोड़ी देर में और हो जाएंगे, कोई बात नहीं। एंड ये वाले डंडे तो भाई सेम थे जो मैंने अभी उस लड़की के घर में देखे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने विंडो भी लगा दी एंड सबसे बढ़िया बात है ये कि हम लोग ऑटोमेटिक खोल सकते हैं इनको। एंड स्टेयर्स भी हमारी लग गई हैं, छोटी सी स्टेयर लगाई है। काउच लगा देते हैं, काफी सारे तो काउच हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लगाते हैं। चेयर्स लगा दी हमने, सीलिंग वगैरह लगाएंगे बिकॉज तुम्हें पता है सीलिंग में हमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं अभी। तो वो वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई दूसरी साइड एंड यहाँ पर भी काफी सारे काउच लगने वाले हैं। तो इन काउच को भी जल्दी से लगाते हैं एंड तुम लोग देख सकते होगे जो चीजें हमें सस्ती मिल रही थी अब वो बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं तो सीधा डब्बे के ऊपर ही चढ़ गई भाई क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी सारे पैसे मिल गए। 27,000 में हम काफी चीजें लगा सकते हैं, तो इनको भी फटाफट से लगाते हैं एंड फिर देखते हैं आगे हम और कितने डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इसके अंदर ना कमाने का और कोई जरिया भी नहीं है, हमें वेट करना पड़ता है मोस्टली तभी हमें मिलेंगे। तो मैंने बीन बैग्स वगैरह लगा दिया एंड मेरे पास काफी कम पैसे बचे हैं। तो अब बारी आ गई है AFK फिर से जाने की। ऑलराइट गाइस, तो तुम लोग देख सकते होगे अभी मेरे पास $1,00,000 से भी ज्यादा पैसे हो चुके हैं। एक जंप करूंगी एंड ये सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग इनको भी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यहाँ से मिल चुके हैं एंड मेरे पास हो चुके हैं $1,60,000 एंड इससे मैं बहुत बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ। तो जल्दी से अंदर भागते हैं एंड काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को ऐड भी करते हैं। वैसे यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रहा है, कहीं ज़ॉम्बी ना आ जाए माइनक्राफ्ट की तरह। बाय द वे हमारा ये पार्किंग वाला एरिया काफ़ी सूना सूना लग रहा है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे बट पहले अपने घर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टेयर केस को लगा दिया है, अब बारी आ गई है हमारे सेकेंड फ्लोर को कंप्लीट करने की, फर्स्ट फ्लोर को, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड फ्लोर था ना। तो ऐसा करते हैं इसको भी कंप्लीट करना शुरू करते हैं। आई गेस ये हमारा सिमिलर जैसे नीचे था उसी की तरह ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो इसको भी हम लोग काफ़ी ब्यूटीफुली सजाने वाले हैं। तो मैंने वॉल्स लगा दिए, लाइट्स लगा दिए एंड बारी आ गई है विंडो लगाने की। और मुझे लग रहा है शायद अब हम लोग एक स्विमिंग पूल भी लगा सकते हैं बाहर को। तो पहले इसको ही कंप्लीट करते हैं एंड अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हैं, तो मैं इतने सारे पैसों में काफ़ी सारा काम करा सकती हूँ। तो इनको भी जल्दी जल्दी करते हैं एंड तुम लोग देख पा रहे हो कि मेरी इनकम भी काफ़ी बढ़ गई है यार। इसका मतलब ये है कि हमें अभी बहुत जल्दी पैसे मिलने वाले होंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। लैंप्स लगा दिए हैं, अब बारी आ गई दूसरे पोर्शन की। वाटरफॉल को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं एंड ये गोल्डीफाई करके कुछ है बट इसके लिए हमें रोबक्स चाहिए होंगे, कोई बात नहीं। वाटरफॉल लगा दिया एंड ये कितना प्रिटी लग रहा है यार। सो गाइस, अब तो तुम देख ही सकते हो कि हमारा मेंशन काफी ज्यादा हद तक अच्छा लगने लगा है एंड लाइट परचेज करने से तो भाई इनकम और बढ़ गई हमारी। एंड अभी मैंने जस्ट जाके चेक करा था, ये वाला रूम तो खाली ही पड़ा है बट इसमें शायद कुछ ना हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टीवी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड ये क्या है भाई। ओके, तो ये कोई परिवार है, इन्हीं की वीडियो चल रही है, ये सब हमें नहीं देखना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई। ओके, तो हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं एंड हमारा मेंशन काफी अच्छा लग रहा है, तो शायद अब हम लोग यहाँ पर भी चेंजेस ला सकते हैं। एंड पूल की चेयर्स लग गई और अब ये आ गया हमारा पूल। यार ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है एंड इसके अंदर स्विम भी कर सकते हैं, यार ये काफी अच्छी चीज है। नाइस। ठीक है, आप ऐसा करते हैं जल्दी बाहर निकलते हैं क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम करना है यार, अभी हम लोग घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी बालकनी है साइड में, हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं बट यहाँ पर स्टेयर्स होनी चाहिए थी शायद। ठीक है, तो इसको हम नीचे जाके चेक करेंगे बट ये जो हमारे स्लाइडेबल वाली विंडोज है ना, ये काफी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में चल के देखते हैं एंड ये एरिया भी कवर होना बाकी है।
तो यहाँ पे वॉल लगेगी, डोर्स लगेंगे, लाइट्स, और यहाँ पर हमारे पैसे फिर कम पड़ गए। नाइस। तो मैं वापस से पैसे लेकर के आ चुकी हूँ और तुम लोग देख रहे हो लाइट्स एक एक्स्ट्रा टचअप की तरह ऐड कर रही है, मतलब और ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा घर। एंड काफ़ी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। इन डंडों का काम क्या है मुझे नहीं पता है, बट इनको भी हमने सजाने के लिए लगा दिया है। लैम्प्स को हमने लगा दिया है एंड ये वाला पोर्शन तो पूरा बाकी है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ से वॉल करते हैं एंड ये पूरा एरिया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जैसे उस लड़की के घर में था। एंड ये सेम वो रूफ वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग आराम कर रहे थे, लाइट्स भी लगा दी हैं एंड ये शेड वगैरह सब कुछ लग गया है। तो हमारा डोर ओपन हो चुका है एंड मैं फिर से पैसे लेकर के आ गई हूँ अपने डब्बे में से। एंड अब देखते हैं हम लोग और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऊपर का फ्लोर ठीक करना है, तो यहाँ से हम लोग अपने किचन को रेनोवेट करने वाला है। ये हमारा ओपन किचन होगा, तो मैंने फ्रिज को लगाया, काउंटर लगाया एंड ये हमारा डाइनिंग टेबल है। तो किचन का बोर्ड लगाने के बाद हम लोग चेयर्स वगैरह लगाएंगे, क्योंकि भाई अपना मेंशन है ये, तो यहाँ से चेयर्स लगा देते हैं एंड एक दो चेयर और लगानी पड़ेंगी। यार तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे चेयर भी 2-3 हज़ार रुपये की बिक रही है, मतलब ओके। तो एक चेयर और लगेगी एंड अब आ गए लैम्प्स और विंडोज़। ठीक है, तो गाइस जैसे जैसे हम लोग इस मेंशन को और एक्सपेंड करते जा रहे हैं, इसके सामान और एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इसलिए अब मैं होने वाली हूँ एफके एंड लेट्स सी हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरे पास अभी आ चुके हैं पूरे $2,00,000। एंड तुम्हें पता है इसका मैं क्या करने वाली हूँ? नहीं पता होगा, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने लिए एक नई कार खरीदने का। एंड मैंने सोच रखा है मैं कौन सी कार लेने वाली हूँ, तो सबसे पहले देखते हैं हमें कार कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बट हम लोग ये नहीं लेंगे, फालतू के कार वाली ये चीज़ है जो कि मेन है हमारे लिए। एंड यहाँ से मुझे पसंद आई है ये $2,00,000 की कार, जो कि हम लोग अभी के लिए तो अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कम वाली भी है बट मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं उसी को बाय करने वाली हूँ एंड यहाँ से मैं इसको परचेज कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो हमारी कार परचेज हो गई है एंड अब ये स्पॉन भी होने वाली है। लेट्स सी ये कौन से कलर में आई है। ओके गाइस, तो इसका कलर है वाइट। वाइट भी कोई खराब कलर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तुम लोग देख सकते हो कितनी प्रिटी कार लग रही है मेरी। एंड अब बारी आ गई इससे हमारी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की, तो चलो इस कार को भी हम लोग यूज़ करके देखते हैं एंड घूम के आते हैं। तो सारे रोब्लॉक्स वाले हट जाओ यहाँ से, वरना फिर यहाँ पे मैं ठोक ठाक दूंगी किसी को भी। एंड तुम्हें पता है इसमें हम लोग ड्रिफ्ट मार करके भी पैसे कमा सकते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता था बट मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला। एंड हम लोग इसमें ड्रिफ्ट मार के पैसे कमा सकते हैं एंड यहाँ से मैंने ठोक दी है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, पहली बार चला रही है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको वापस से खड़ा कर देती हूँ अपनी कार को एंड हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के आते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ से इसको खड़ा करते हैं एंड थोड़ा अपने घर को और अच्छा करते हैं। तो मेरे सारे पैसे तो खर्च हो गए कार में एंड अब मैं जाके देखने वाली हूँ अपने डब्बे के अंदर कि उसके अंदर कितने पैसे बचे हैं। वैसे अभी तक तो काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए होंगे क्योंकि मुझे पर सेकेंड काफ़ी पैसे मिल रहे हैं। एंड देखो भाई, 1,00,000 रुपये मिल चुके हैं मुझे, इससे बढ़िया बात क्या होने वाली है। एंड अब मैं अपने घर को और रेनोवेट करूँगी। मेरा मेंशन तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है एंड काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। तो इस मेंशन को और एक्सपेंड करा जाए एंड कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ऑलराइट, तो अब बारी आ गई अपने सेकंड फ्लोर को भी थोड़ा अच्छा करने की एंड इस एरिया को भी हम लोग और अच्छा कर लेते हैं। काफ़ी सारे रूम्स भी बना दिए हमने इसके अंदर एंड ये हमारा एक और बेडरूम होने वाला है। इसके अंदर मैं टेबल लगा देती हूँ, पता नहीं कितने यार महंगे हो चुके हैं एंड मैं 1,00,000 रुपये लाई थी, सारे के सारे खर्च हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं वॉल को लगा देती हूँ एंड 6,000 रुपीज़ की वॉल है, पर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास 4,000 बचे हैं। तो इस डब्बे में हमें वापस से जाना पड़ेगा एंड चेक करते हैं यहाँ पर कितना सामान है। तो मेरे पास 50,000 हो चुके हैं। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। तब तक के लिए तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, टाटा सी यू। ओके, मैं तो चलिए अपनी गड्डी चलाने, बाय बाय।